तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और दिवाली के साथ साथ आज हमें भाईजान की मूवी टाइगर 3 देखने को मिली, जो कि सलमान खान फैंस के लिए एक फेस्टिवल साबित होगी कि नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जिसके साथ पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के ऊपर बिना किसी स्पॉइलर के। तो मूवी की स्टोरी फोकस करती है टाइगर एंड जोया के पास्ट के ऊपर, जो की कनेक्टेड होता है इस मूवी के विलन इमरान हाशमी के साथ, जिसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके जिम्मेदार होते हैं टाइगर एंड जोया। और वो क्या है ये आपको मूवी में पता चलेगा। मैं यहाँ कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि मूवी का मेन कोर है इसकी स्टोरी, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। और मूवी का फर्स्ट हाफ इसको पूरी तरह से बिल्ड करता है, जिसकी वजह से आपको एक्शन सीन्स थोड़े कम देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट हाफ में सिर्फ डायलॉग से ही काम चलता है। और एज अ स्पाई मूवी इसमें काफी स्पाई मिशंस भी देखने को मिलते हैं, जो कि बढ़िया थे। जिसके बाद हमें इंटरवल से पहले इसके मेन विलन का मेन मोटिव पता चलता है कि इसने क्यों टाइगर को गद्दार साबित किया और आखिरकार ये करना क्या चाहता है। जिसके बाद इसके सेकेंड हाफ में हमें सिर्फ एक्शन सीन्स को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं। मूवी के कुछ शॉट्स ऐसे भी थे जो कि हमें जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज की याद दिला देते हैं। जिसके बाद बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव की, जो कि मुझे सिर्फ एक ही लगा, वो था कुछ सीन्स का रिपीटेड होना, जैसे कि कोई किसी को धोखा दे रहा है और कोई किसी को, जिसको आई थिंक चेंज भी कर सकते थे। बाकी बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्टर्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइगर यानी भाईजान सलमान खान की। तो उन्होंने इस मूवी में अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से दिखाया है, जिसको लोग पॉइंट आउट करते थे उनकी एक्टिंग को लेके, जो कि इन्होंने इस मूवी में काफी अच्छी की है। तो हेटर्स अपना देख लेना। जिसके बाद बात करें हैं जोया यानी कटरीना कैफ की, तो उनकी एक्टिंग भी ठीक थी, बट उनके जो एक्शन सीन्स थे वो काफी अच्छे थे। और मैं यहाँ स्पेसिफिकली तौलिए वाले सीन की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी एक्शन सीन्स की भी बात कर रहा हूँ। जिसके बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी इस मूवी के मेन विलन, जो की है इमरान हाशमी। और मैं कहना चाहूंगा की ये अब तक का स्पाई यूनिवर्स का सबसे बेस्ट विलन है, क्योंकि इसने भाई डायलॉग को रुला दिया और उसको गद्दार साबित कर दिया, जो कि हम पहले मूवीज में मिस कर रहे थे एक परफेक्ट विलन, जो कि ये है। और क्या चाहिए, बाकी अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो मूवी स्पॉइल हो जाएगी, जो कि मैं यहाँ नहीं करूंगा। बस एक चीज कहूंगा कि मूवी खत्म होने तक रुक जाना, क्योंकि मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि वर्थ इट होगा। और बीइंग अ स्पाई यूनिवर्स मूवी ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो रुक जाना। बाकी ओवरऑल मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी, डिसेंट है। और जैसे मैं कह रहा था कि भाईजान फैंस के लिए ये प्रॉपर दिवाली गिफ्ट मान सकते हैं। बाकी अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।